नमस्कार, मेरा नाम है संजय भाटिया। मैं कलाकार हूं और सिंटा सीनियर एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूं। वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। जब भी आप एक्टर बनने के बारे में सोचते हैं तो जब ट्राई करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आर्टिस्ट कार्ड की बात कई बार आप सुनते हैं। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी होते हैं, क्या ये ज़रूरी है, क्या ये बनाना कंपलसरी है, क्या इसके बिना काम नहीं मिल सकता, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और ये बात बताने के लिए मेरे से ज़्यादा अच्छा है कि आपको सिंटा के जॉइंट सेक्रेटरी जो संजय भाटिया जी हैं उनसे मैं मिलवाऊं। इनका पहला पार्ट एज ए एक्टर आपने देखा था, बहुत ही पसंद भी किया था, अब ये सेकंड पार्ट है। वेलकम टू जॉइंट फिल्म सर। थैंक यू संजय जी। ये जो सिंटा है, ये पहले थोड़ा सा आप अपने शब्द में बताएं क्या है ये। सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन सिंटा, ये 1958 में संस्था ये एस्टेब्लिश हुई। तब के जो कैरेक्टर आर्टिस्ट थे उन्होंने ये संस्था फॉर्म की थी। सौरभ मोदी जी, दुर्गा खोटे जी वगैरह ने मिलके ये, क्योंकि वो कैरेक्टर आर्टिस्ट थे और तब जो हीरो जो हुआ करते थे उन जमाने में, जब हीरो हीरोइन का जब जमाना था, अब तो खैर सब एक्टर्स सब एक्टर हो गए, तब एक स्टार को उनको जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जो कैरेक्टर एक्टर्स थे उनके लिए बहुत दिक्कत होती थी कि उनके पैसे अटक जाते थे या तो उनको कोई फैसिलिटीज नहीं मिल पाती थी, जो जितना पॉपुलर है उनको वो चीज़ पे मिले, लेकिन कोई ऐसा संगठन नहीं था जो उनके लिए लड़े। इसलिए उन्होंने ये एक संस्था बनाई और एक ट्रेड यूनियन बनाई कि उनको सारे अधिकार मिले। उसके साथ साथ में तब से ये सिंटा चलती आई। तब उनका इसका नाम था CAA, ओके, कैरेक्टर आर्टिस्ट एसोसिएशन, ओके, क्योंकि तब टीवी तो था नहीं, ये नई बात पता चली मुझे। हाँ, तब ये CAA हुआ करता था। और आज भी सिंटा के ऑफिस में जो चेयर्स हैं वो उस जमाने की है, इसके ऊपर CAA लिखा हुआ। ओके। तो एंड वी आर प्राउड दैट कि आज हम, उन्होंने जब चेयर बनाए थे जो शुरू किया था उनके साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड दिस इज द ओल्डेस्ट एसोसिएशन इन इंडिया अब, और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल एसोसिएशन कह सकते हो, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन, सिंटा का इंटरेक्शन सिर्फ प्रोड्यूसर्स या प्रोड्यूसर एसोसिएशन से नहीं होता, गवर्नमेंट से भी होता है, ओके, इंटरनेशनली भी होता है और चैनल से भी होता है। चैनल से तो होता ही है, ओके, चैनल से तो इंटरेक्शन होता ही, जबकि जो नए एसोसिएशन हाल फिलहाल में जो बने हैं, जो अभी उभर के आए हैं, वो इतने एस्टेब्लिश नहीं है, जिनके इतने मेंबर्स नहीं है, जिनकी बात सुनी जाए और ना रीच है उनके उतनी। यस राइट राइट। इसका बहुत फर्क पड़ता है कि कितना पुरानी है, कितनी पॉपुलर है, कितने बड़े बड़े लोग उसमें जुड़े हैं, कौन कौन से मेंबर हैं, उसका बहुत फर्क पड़ता है। अभी अगर सिंटा में किसी को मेंबर बनना हो तो उसको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है? बहुत सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिंटा का कोई एजेंट नहीं है। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है। गलती से भी आप कोई अगर ये कहेगा कि मैं सिंटा में जानता हूँ, मैं एजेंसी कार्ड बनवा दूंगा, गलत, साफ झूठ है, ये सफेद झूठ है, कोई नहीं है। आपको आपका कार्ड सिर्फ और सिर्फ सिंटा वेबसाइट पे बन सकता है। ऑनलाइन बना सकते हैं? ऑनलाइन ही बनता है। ओके। हमने ऑफलाइन की प्रोसीजर रखी है अभी भी, क्योंकि सालों से चली आ रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उसे डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, सारी चीजें ऑनलाइन होंगी। ग्रेट, ये भी अच्छी न्यूज है। तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप टाइप कीजिए www.sinta.net, ओके, उस पर जाकर के एनरोल कीजिए, अपना फॉर्म भरिए, सारी चीज़ें उस पर अपलोड कीजिए, हमारे पास आ जाएगी एप्लीकेशन, पास हो आगे पास होगा। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं। तो इसमें कोई क्राइटेरिया होता है एलिजिबिलिटी का कि यही लोग बन सकते हैं एक्टर, सिंटा के मेंबर? एक्टर होने चाहिए बस, एक्टर होने चाहिए। और एक्टर, हाँ, यानी ये इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि एक्टर टिकटॉक बनाने वाला बंदा भी ये कहेगा कि मैं एक्टर, राइट, गलत नहीं हो सकता है, मना नहीं करता हूँ, और मैं कोई उसके लिए ये भी नहीं प्रमाण नहीं रखता हूँ कि ये ही होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। बट आप एक चीज़ समझें कि ये सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन है, यहाँ पे हम थिएटर एक्टर को भी एनरोल करवाते हैं। अब चूंकि व्याप बढ़ा है, परफॉर्मेंस का प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए हैं, सारी चीज़ें, तो हम मर्यादित नहीं रह सकते, राइट,
टेक्निकलिटीज बहुत सारी जुड़ गई हैं, जुड़ गई विजुअल मीडियम में। तो विजुअल मीडियम के लिए जहाँ जहाँ पे भी कोई बंदा परफॉर्म करता है, व्होएवर इज अ परफॉर्मर एज एन एक्टर कैन अप्लाई कर, अप्लाई ही और शी हैज टू बी एन एक्टर। राइट। अब वो एक्टर है या नहीं है वो प्रूव करने के लिए जो हमारी स्क्रूटिनी कमिटी है वो उनका वीडियो, उनके लिंक, या अगर वो कुछ अवेलेबल नहीं है, फ्रेशर है, तो आप आकर के अपना ऑडिशन लिंक भेजिए। आजकल ये भी बहुत इजी हो गया, ऑडिशन लिंक बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप दिखा सकते हो। मैं रोज दिन के 4 ऑडिशन अपनी रोजी रोटी के लिए करता हूँ। Okay. तो वो तो बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर सकते हैं। Okay. हाँ, आप आपने अगर परफॉर्म किया, अगर आपके YouTube लिंक है या तो TikTok भी है, अब खैर TikTok तो नहीं है लेकिन जो भी ऐसा भी वीडियो ऐप जो होती है, लेकिन अगर उसमें आपने परफॉर्म किया है, एक्टिंग स्किल, मतलब एक्टिंग स्किल पर, डबिंग मैश वाला नहीं है ना, वो वाला डबिंग मैश, डब मैश, हाँ डब मैश वाला नहीं, ठीक। तो अगर आपकी एक्टिंग परफॉर्मेंस है तो आप आसानी से लिंक दे रहा हूँ, उसमें से आप जाके कर सकते हैं। तो ये जो मेंबर जब बन जाते हैं, इन मेंबर्स को बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आप एक बहुत ही प्रोफाउंड और बहुत ही बड़े एसोसिएशन के साथ में जुड़ते हो, जहाँ पे बॉलीवुड इंडस्ट्री के, बॉलीवुड कहना मैं पसंद नहीं करता लेकिन लोगों की समझ के लिए मैं कहता हूँ कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकार इसमें जुड़े हुए हैं, तो उस एसोसिएशन के साथ में आप जुड़ते हो। दूसरी बात यह है कि एक ऐसे एसोसिएशन जो इंटरनेशनली एफिलिएटेड है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एक्टर्स FIA, इसके साथ में जुड़े हुए हैं, जो दुनिया के सभी परफॉर्मर एसोसिएशन के साथ, उसकी बड़ी एसोसिएशन, ओके ओके, एंड जो ILO के साथ में एफिलिएटेड है, ओके, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो जब कोई कानून बनता है परफॉर्मेंस को लेकर के, फिल्मों को लेकर के, एक्टिंग को लेकर के, अगर जब भी चूक का कानून बनता है उसके अंदर हमारा, हमारी सबसे बड़ी साझेदारी रहेगी। राइट। तो एक्टर को अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आता है इन टर्म्स ऑफ कि उसको कोई कंडीशन बताई गई थी फॉलो नहीं की गई प्रोडक्शन हाउस से, या पेमेंट के डिस्प्यूट्स हो गए, या किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो आपके पास आ सकता है अपनी बात रखने के लिए? वो तो बेस है, हाँ, उसके लिए तो यानी मुझे कहने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसी के लिए, बेसिकली वी आर ए ट्रेड यूनियन, हाँ हम यूनियन है, तो यूनियन का काम ही ये होता है कि उनके मेंबर के लिए, उनके मेंबर की भलाई के लिए काम किया जाए। राइट। तो अगर आपका पेमेंट कहीं पे अटका हुआ है, कोई डिस्प्यूट है, किसी प्रोड्यूसर ने परेशान किया है, किसी ने, किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने परेशान किया है, किसी डायरेक्टर ने परेशान किया, कुछ भी है, तो आप हमें कंप्लेन कर सकते हो। राइट। और उसके लिए जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर फॉलो की जाएगी, लेकिन यानी ये मैं उसके अलावा के फायदे बता रहा हूँ। प्लस ये है कि जब एक एसोसिएशन होता है, तो अभी हमने पिछली बार जब जो पैंडेमिक हुआ, तो पैंडेमिक में हमने लोगों को फाइनेंशियली भी हेल्प किया, ओह ग्रेट, उनके यहाँ पे राशन तक पहुँचाया है। अभी हम लोगों ने एक जोनल स्ट्रक्चर तैयार किया जहाँ पे आपके एरिया में रहने वाले 10 एक्टर्स, 10 सिंटा मेंबर्स आपके साथ सदा संपर्क में रहेंगे हमेशा। ओके। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप उस ग्रुप पे डालिए व्हाट्सएप पे, मुझे यहाँ पे दिक्कत है, वो जो 10 मेंबर है वो हमारे बड़े ग्रुप के साथ में जुड़े हुए हैं जहाँ पे 100 लोग हैं। ओके। और वो जो 100 लोग हैं पूरे एरिया के 1000 लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, बड़ा होगा। और उस 1000 लोगों का जो मुखिया है, जो जोनल हेड है, ही इज वन ऑफ द कमिटी मेंबर्स। ओके। सो इन 1000 लोगों की जिम्मेदारी उस एक कमिटी मेंबर पे है। ओके ओके, ये बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया आपने। इससे इस तरह की, जब पैंडेमिक में अभी लॉकडाउन हुआ तो अभी शूटिंग नहीं चली थी, आर्टिस्टों को प्रॉब्लम भी था, तो इस तरह से भी एक एसोसिएशन इस लेवल पे भी आगे जाता है जी। मतलब सिर्फ उसमें एक्टर प्रोड्यूसर और वो सब चीज़ें नहीं है, पर्सनल लेवल पे भी बहुत अलग चीज़ें। इसके अलावा हमने कई सारे मेंबर्स को फाइनेंशियल हेल्प की है ड्यूरिंग देयर इलनेसेस। अगर किसी को कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई है, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई हार्ट की बीमारी हो गई, किसी का हाथ पैर कट गए, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स, और कई सारे मेंबर्स को हमने हेल्प की। तो ये हमने, मतलब मैं नहीं करता या तो हमारी कमेटी नहीं करती, ये सारी एसोसिएशन करती है, और ये एसोसिएशन की साझा ताकत है। राइट। तो मैं ये श्रेय सिर्फ अपने आप पे या हमारी कमेटी पे नहीं लेना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि जब हम संगठित रहते हैं तो हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। राइट।
तो अब सिंटा तो इतने सालों से काम कर रही है और इस तरह से बहुत ऑर्गेनाइज्ड होकर काम कर रही है, सही वे में, जहाँ तक आया कि आप लोग फोर्स भी नहीं करते हो कि हमारे मेंबर बनो, जिसको इच्छा से बनना है वो बने। लेकिन अब एक दौर ऐसा चला हुआ है जब से ये ऑनलाइन हुआ है तो बहुत सारे एक्टर्स को यूं ही रैंडम कॉल जाते हैं कि आपको एक्टर बनना है तो आपको बस आर्टिस्ट कार्ड ले लेना चाहिए और हम आर्टिस्ट कार्ड आपको प्रोवाइड कर देंगे, या बहुत बार उनके ऑडिशन लिए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि भाई आर्टिस्ट कार्ड है, वो बोलते हैं कि नहीं आर्टिस्ट कार्ड नहीं है, तो बोलते हैं हम बना के दे देते हैं, और वो उस तरह की चीज़ों में फंस जाते हैं, उनको लगता है आर्टिस्ट कार्ड इज़ ए गारंटी कि उससे काम मिल जाएगा। ऐसे लोगों को आप क्या समझाइश अपनी तरफ से दोगे? आपकी आखिरी जो लाइन आपने कही वो मैं पहले उसका जवाब दूंगा, आर्टिस्ट कार्ड इज नॉट अ गारंटी कि आपको काम मिलेगा, नहीं, ये सरासर गलत है। ऐसे कोई एसोसिएशन या कोई यूनियन आपको ये नहीं कह सकती कि मैं, आप हमारे मेंबर बनिए तो हम आपको काम देंगे, ये गलत है। दूसरी बात कि कोई भी प्रोडक्शन हाउस अगर आपको ये कहता है कि, या तो कोई भी इंसान आपको ये कहता है कि मैं आपका कार्ड बनवा दूंगा तो भी गलत है। मैंने आपको पहले ही बताया सिंटा का कार्ड ऑनलाइन है, आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और आपको कार्ड मिलेगा, आपकी कैपेबल, आप अगर कैपेबल हैं, आप काबिल हैं तो आपको कार्ड मिलेगा, सिंपल है, और इसका कोई एजेंट नहीं है। ये चीज़ है, ये गाइडेंस बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इस नाम पे ही सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, क्योंकि मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं सर वो यही होते हैं कि सर मैं आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे बोला गया था और हमसे 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 रुपए भी लिए गए हैं सर। तो एसोसिएशन कभी भी इस तरह से फोर्स नहीं करती, प्लीज़ इस तरह के फ्रॉडस्टर से बच के रहें, ये बहुत ज़रूरी है। सर जो सिंटा है अब और क्या क्या इसके साथ करती है? आप लोग वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करते हैं अपने मेंबर्स के लिए, उनके बारे में भी थोड़ा सा मुझे बताइए। देखिए हम जिस फील्ड में हैं उसमें स्किल इज द टॉप मोस्ट थिंग, जो स्किलफुल है उसे काम मिले। तो हमारा काम यह है कि हम हमारे मेंबर्स की स्किल बढ़ाएं, राइट, अपग्रेड करें उसको, उसे अपग्रेड करें। आपको जो कुछ, जैसे हमारे पे वॉइस वर्कशॉप होती है, एक्टिंग वर्कशॉप होती है, अच्छे अच्छे कलाकार आकर के अपनी वर्कशॉप देते हैं, जो उनका उन्होंने जो सीखा है वो आपसे शेयर करते हैं, एंड एट ए वेरी नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज़, 100-150 रुपीज़। वो भी हम सिर्फ इसलिए लेते हैं कि हम आपको चाय नाश्ता दे सकते हैं वहाँ पे, और जो वर्कशॉप लेने आता है उसे आने जाने का किराया दे सके, बाकी इस पे। और हम चाहते हैं कि इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा हमारे मेंबर्स को हो, राइट, आपकी स्किल बढ़ेगी, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको अच्छा काम मिलेगा, राइट, आपको अच्छा काम मिलेगा तो आप अच्छे पैसे कमाओगे, आपका अच्छा नाम होगा। तो यही है, हमने मेकअप के लिए भी, मेकअप कैसे करना है, खुद का मेकअप, उसके वर्कशॉप भी रखे हैं, आपको स्वस्थ कैसे रहना है, अच्छा उसके लिए भी, उसके लिए भी वर्कशॉप, फिटनेस तो बहुत जरूरी है, आपको अपने पैसे कैसे मैनेज करने हैं उसके लिए भी वर्कशॉप रखे हैं, ओके ग्रेट, आपको मेंटली कैसे स्टेबल रहना है उसके लिए भी वर्कशॉप रखे हैं। तो हर तरह के, एक एक्टर के लिए जितना भी जरूरी है उसके सारे वर्कशॉप हम रखते हैं, ग्रेट ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात करें सर, और अब मौका लगेगा तो जॉइंट फिल्म्स की तरफ से मैं भी सिंटा के साथ जुड़ के वर्कशॉप करूंगा ताकि सिंटा के मेंबर्स को जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है वो शेयर कर पाऊं ताकि उनको भी उसका बेनिफिट है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये बात थी सारी सिंटा की डिटेल में, अब बिल्कुल भी फ्रॉड में मत फंसेगा, उन्होंने क्लियर कहा कि कोई एजेंट नहीं है, कोई इस तरह की उनकी ब्रांचेस नहीं है, कोई उनका ऐसा लाइजनर नहीं है जो आपको कार्ड बना के दे दे। तो प्लीज़ जब भी जुड़ें एक अच्छी एसोसिएशन से जुड़ें, और तब जुड़ें जब आपको काम करना है और वाकई आना है। आपको अगर एक्टर बनना है तो आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोग चाहिए होंगे कि वो जो आपको दिक्कतों में साथ दे सकें, जो आपको अपग्रेड कर सकें, जो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है प्रोडक्शन से तो आपको बचा सके। इवन जैसा बताया कि पैंडेमिक में उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प किया, राशन से हेल्प किया, तो ये सारी चीज़ें मिलती, ये होता है एक ओवरऑल कि आपका ख्याल रखे एक एसोसिएशन। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।